तो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं आपका दोस्त भाई, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई। आज का डिज़ाइन जो बहुत सुंदर है, मैंने जो अगला डिज़ाइन जो दिखाया था मैंने आपको, वो आधा डिज़ाइन दिखाया था मैंने। आज का डिज़ाइन जो मैं पूरा और भर के दिखाने वाला हूँ, तो आपको इस ट्रेनिंग का इंतजार था, तो मैं इस ट्रेनिंग को आज पूरा और अच्छे से समझाऊंगा। इस वीडियो को तो पूरा देखना और समझना कि वीडियो कैसे समझाता हूँ, तो आप मेहंदी लगाना भी सीखोगे और आगे बढ़ोगे भी। काफ़ी फ्रूट ब्राइडल मेहंदी डिजाइन है, देखो ये वाला डिजाइन है। ये मैंने आपको यहाँ तक समझाया था, इसमें यहाँ तक मैंने डिजाइन समझाया था। इतना तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही थी, तो मैंने जो आगे डिजाइन है जो मैं यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक समझाऊंगा, ठीक है गाइस? आपको समझ आ रहा है ना? यहाँ से लेके आगे का डिजाइन यहाँ पर है। अगर जिसने ये वीडियो नहीं देखी हो तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना, यहाँ तक का डिजाइन मैं समझाया हुआ है। तो अगली वीडियो का डिजाइन मेरा ये वाला, ठीक है, जो आज की वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से समझना और अच्छे से समझना। मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिजाइन का। डिजाइन कैसा लग रहा है आपको? अगर डिजाइन मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है गाइस? तो ट्रेन को शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छी तरह समझना और ध्यान समझना कि कैसा है डिजाइन, ठीक है गाइस? ओके, ट्रेनिंग शुरू करें। ओके हेलो, चलो अपना आज स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। आपने देखा था हमारा डिज़ाइन पिछला वीडियो में, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा समझाने का तरीका भी आपको बहुत अच्छा और मज़ा भी आया होगा आपको देख के, ठीक है गाइस? जिसने अपनी वीडियो देखी है तो प्लीज़ ये वीडियो आप पूरा देखें पार्ट, तो उसमें आपको मैं पूरा अच्छी तरह समझाऊँगा, ठीक है गाइस? तो ये हमने बनाया यहाँ पर फ्लोवर, ठीक है, और आराम से बनानी है लीफ का डिज़ाइन। बिल्कुल बराबर लीफ की चौड़ाई ना बराबर होनी चाहिए, ये नहीं तो छोटी तो भी बड़ी, ठीक है गाइस? यहाँ पे भी एक लीफ बनाएंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल फिनिशिंग से बनानी है गाइस, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी करोगे तो आपका डिज़ाइन खराब हो जाएगा। तो इस तरह से आराम से कोन को अपनी साफ करते रहे, ये आपसे मेरी पावर रिक्वेस्ट है। जिस तरह से जैसे हमारे यहाँ पे जगह खाली है ना, यहाँ पे हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारा डिज़ाइन दे दिया, एक ब्राउन सर्कल दे दिया, कुछ भी हम दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना। अब इसको हम करेंगे बोल्ड, मधुबनी वाला डिज़ाइन होता है ना, वो हम करेंगे। आराम से बोल्ड करना ताकि हमारा जो डिजाइन उसमें सुना हो और खराब ये गाइस। आपको ना वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है, पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप करके तो ना देखें। जो वीडियो को ना स्किप करके नहीं देखेगा वो तो हिंदी लगाना बिल्कुल परफेक्ट सीख जाएगा और उसको मैं सिखाऊंगा पूरा। आराम से देखें एक एक, इसको समझना है आपको कि कौन सा जन कैसे बन रहा है और कौन सा जन कहाँ से कहाँ लगता है, ये चीज़ ध्यान रखना गाइस। पहले हमने देखो यहाँ पे ऊपर हम लाइट है, फिर डार्क हुआ, और यहाँ पे देंगे हम लाइन डाल के नीचे हम रहेंगे वाइट फिलिंग, गाइस लाइन डालिए बिल्कुल बराबर। लाइन टूट जाए कोई बात नहीं, दोबारा डालो। लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, ये नहीं कि बीच में से डालनी है, ऊपर से बिल्कुल यहाँ पर डालेंगे छोटे छोटे स्मॉल सर्कल। गैपिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कुछ इस तरह से डबल डालना, ठीक है? मैंने इसलिए ऐसा करा है कि काफ़ी लगे ज़्यादा लंबे, ठीक है? आपको समझ आ रहा होगा, आ रहा है ना आपको समझ? तो आप यहाँ पे ऐसे डालना है, राउंड राउंड बनानी है, बिल्कुल गैप बराबर होनी चाहिए। खासकर ये चीज़ याद रखना, जो भी चीज़ बनाए वो तो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और आराम से बनाए। आराम से बनाओगे तो आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी, ठीक है? समझ आ रहा है ना आपको?
इसको यहाँ से हम बोल्ड करेंगे बिल्कुल आराम से, और ऐसे टिप को थोड़ा दबाना है ताकि थोड़ी मोटी मोटी रहे। इसमें हम डोर के डिजाइन डालेंगे, टच करेंगे, दबाया कुछ ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? अगर जहाँ अच्छा लग रहा है ना आपको यार, लाइक जरूर करना। आप वीडियो तो जरूर देखते हो पर लाइक नहीं करते, कौन कौन लाइक नहीं करता आप बताओ, नहीं करते है ना यार। आपको इतनी फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है, मैं आपको इतने प्यार से समझाता हूँ, अच्छे से तरह समझाता हूँ यार, इतना एक लाइक तो जरूर बनेगी यार, प्लीज़ मेरे लिए लाइक जरूर करना, ठीक है गाइस। जो ट्रेनिंग को ले रहा है और जो इस वीडियो को देख रहा है ना, प्लीज़ लाइक जरूर करें। यहाँ पे बनाया देखो हमने व्यू का डिजाइन, इधर से भी ऐसे यहाँ पे राउंड सर्कल डाल के लीग वाला, तो यहाँ पे राउंड सर्कल 1 2 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम थोड़ी सी गलाई में देंगे इसको, बीच में टाइम डाले यहाँ पे ऐसे डाला आराम से। फिनिशिंग तो जरूर आनी है, फिनिशिंग से बनानी है, आप प्रैक्टिस करो एक एक डिजाइन को, ठीक है गाइस। डिजाइन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी और उभर के आएगी, ये आपका भाई का वादा है। मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, आपको समझना है, ठीक है गाइस। ऐसे बनाना बिल्कुल समझ गए। जिनने देखो 3 फ्लोवर डिजाइन बनाए, उसको हम बोल्ड करेंगे, बोल्ड मतलब लाइन बराबर में मोटी मोटी लाइन डालनी है जैसे, बिल्कुल मतलब डिजाइन को ना अंदर, मतलब मेहंदी को अंदर ना ले जाए, अंदर ले जाओगे तो डिजाइन आपका खराब हो जाएगा, तो आपका जो बनाया है ना डिजाइन आपने वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ आपको भी ऐसे ही बनानी है जैसे, बिल्कुल फिनिशिंग से बनानी है आपको, कोई जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे आपका डिजाइन खराब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, इसको अच्छा लग रहा है कमेंट में लिख के बताएं, ये आपको बनाना आता होगा, इसको नहीं आता वो भी कमेंट में लिख के बताएं, इसको आता है वो भी कमेंट में करें, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे बिल्कुल बारीक वाला चेक का डिजाइन, ठीक है, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और बारीक वाली होनी चाहिए, ज़्यादा दूर दूर नहीं है, ठीक है। टच करेंगे, टच करेंगे, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। आप चेक का डिजाइन बना लेते होंगे ना, आता है आपको, किसको उसको नहीं आता वो भी बताएं। देखो हमने यहाँ से चेक का डिजाइन बनाएंगे बिल्कुल बारीक वाला, ताकि जो हमारा ऊपर का डिज़ाइन और जो हमारे फ्लोवर है ना हाईलाइट करे। ये वाला हम डिज़ाइन बारीक बनाना है, ये याद रखना कभी जब किसी को ब्राइडल मेहंदी लगाओगे ना, डार्क लाइट डार्क, ताकि हमारा प्लेन जो उभर के आएगा। देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे देंगे हम, सेम जो फ्लोवर बनाए इन्होंने अभी इसी तरह हम फिंगर पर ले जाते हुए बनाएंगे बिल्कुल, और गैप जो ना आपकी बराबर होनी चाहिए, ये नहीं कि छोटा कोई फूल बना दिया कोई फ्लोवर बड़ा बना दिया, कोशिश करना है कि बराबर बने और अच्छा बने और सुंदर बने, ठीक है। जैसे जैसे ऐसे बनानी यहाँ पर, फिर ऐसी गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ उनको वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो, जो उसको नहीं लग रही वो बस करना, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो आप जरूर करोगे, अगर मेरा बताने का तरीका अच्छा है ना। मैं इतनी आराम से बताता हूँ, इतना तो कोई भी नहीं बताते, कोई नहीं बताता होगा आपको, एक एक बारीकी से समझाता हूँ आपको, क्योंकि तो मुझे ना बहुत मज़ा आता है आपको बताने में सिखाने में ना, जो बहुत अच्छा लगता है,
अब ऐसे इसको हम बोल्ड करेंगे जैसे हमने ये करा था ना, ऐसे ही आराम से जैसे, ध्यान से देखना ठीक है गाइस, बिल्कुल आपका डिजाइन खराब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से बनाना कुछ ऐसे। यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा राउंड सर्कल और फ्लावर का डिजाइन बनाएंगे जैसे, आराम से इसको बोल्ड कर देंगे। उसके बराबर में हम चारों तरफ बारीक वाली फिलिंग देंगे, प्याज से डालनी है आपको, बारीक वाली फिलिंग देनी है ठीक है। जैसे यहाँ पे देंगे हम राउंड सर्कल, स्मॉल सर्कल, डिजाइन को देखते रहना और समझते रहना कि मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ और आपको कैसे लगानी है ठीक है गाइस। इस तरह से अगला डिजाइन जो मेरा आएगा ना, इसका दूसरा हैंड आएगा मेरे अगले हैंड की, अब तो वेट करना, जल्दी से जल्दी मैं उस ट्रेनिंग को लेकर आऊँगा और उसका दूसरा हाथ जो है वो भी आपको मैं समझाऊँगा कैसे बनाती हूँ। आप देखते रहेंगे कैसे बनाया मैंने, ये यहाँ पर डाल के इसको हमने फोल्ड कर दिया है, बिल्कुल फिनिशिंग से बनानी है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है गाइस। आप कमेंट में लिख के बताओ आप कहाँ कहाँ से मेरी मेहनत की ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपका नाम क्या है, कौन सा जगह से देख रहे हो आप ये चीज़ कमेंट में लिख के बताओ, मैं आपके कमेंट देखूंगा, पढ़ूंगा और आपको मैं रिप्लाई जरूर दूंगा ठीक है गाइस। यहाँ पे लाइन डाल के हमने छोटे छोटे स्मॉल सर्कल डालने इस तरह से, यहाँ पे हम देंगे बिल्कुल, ये हमारा डार्क हो गया ना, नीचे हम देंगे बिल्कुल बारीक वाली फिलिंग इस तरह से ठीक है। अच्छा लग रहा है ना गाइस, कमेंट में जरूर लिख के बताना आपको डिजाइन मेरा पैटर्न कैसा लग रहा है, मेरी ट्रेनिंग कैसी लग रही है आपको, और कमेंट में लिख के जरूर बताना गाइस। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और कमेंट में लिख के जरूर बताना। फिंगर का डिजाइन देखो कैसे बनाते हैं, अब हमारे यहाँ पे बारीक वाली फिलिंग है ना, तो हम कर देंगे डार्क वाली ताकि हमारा डिजाइन जो फिंगर का डिजाइन थोड़ा हाईलाइट करे उभर के आए ठीक है। ये बनाया हमने ऐसे ही सेम बनानी है फिंगर हमने, ताकि हमारी जो है ना और भी सुंदर और खूबसूरत लगे गाइस। अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे हम थंब का डिजाइन है डाल के, फिर उसमें सर्कल, फिर छोटे से बड़े बड़े उसमें सर्कल ये बनाए हमने थंब डिजाइन, ताकि आपको दिखाई दे गाइस। तो आप हम मिलेंगे अगली ट्रेनिंग में, तो आप मेरी ट्रेनिंग का जरूर इंजॉय करें, मैं आपके लिए और भी बहुत सुंदर डिजाइन लेकर आऊँगा और मेरी जो मेरी पिछली वीडियो थी उसको देखें, पार्ट टू है मेरा गाइस, थोड़ा ट्रेनिंग को सीखें और देखें और समझें और प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करोगे तो आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी और आप मेहनत लगाना सीख जाओगे ठीक है गाइस। तो फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में ठीक है, गुड बाय।